आज हमारे पास स्विफ्ट डिजायर पेट्रोल आया हुआ है जिसका हम फुल सर्विस करेंगे, ठीक है। तो हमने देख सकते हैं सीट कवर लगा लिया है और एक कवर लगा लिया इसके ताकि सीट हमारा इसका गंदा ना हो जाए गाड़ी का और कस्टमर ना नाराज़ हो जाए इससे। और हमने सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम टेस्ट करेंगे इसके अंदर स्कैनर लगाया हूँ और देखेंगे कोई फॉल्ट कोड नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद हम ड्राइव करेंगे गाड़ी का। तो 40 का शेड्यूल इसमें मारेंगे और तब तक हम स्कैन कर रहे हैं और देख सकते हैं इसके अंदर स्कैन करने के बाद कोई भी फॉल्ट कोड, द व्हीकल हैज़ नॉट फॉल्ट कोड बता रहा है, ठीक है। अब इसका हम लाइव डाटा टेस्ट करेंगे, ठीक है। तब तक हम इसको ट्रायल भी मारेंगे और 40,000 शेड्यूल मारेंगे। लाइव टेस्ट ये अभी ट्रायल मार रहा हूँ गाड़ी का और चेक करता हूँ इसके अंदर फॉल्ट क्या है और आवाज़ अगर कुछ आ रहा है तो उसको भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। और इसके साथ हम लाइव टेस्ट कर रहे हैं, वो देख सकते हैं लाइव डाटा टेस्ट वगैरह कर रहे हैं, ठीक है। लगभग मैंने 2 किलोमीटर ट्रायल इसका मार लिया, ठीक है। और इसके अंदर सस्पेंशन के अंदर कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। 40,000 शेड्यूल मारेंगे, 40,000 चल गया है इसके अंदर और देखते रहिए क्या क्या चेंज होता है, ठीक है। और सर्विस के अंदर सारे डोर्स चेक करेंगे, पहला लॉक अनलॉक, ठीक है। और दूसरा हम सारे डोर का ऑपरेशन टेक चेक करेंगे कि ग्लास बराबर ऑपरेट हो रहा है या नहीं है, सारे ग्लास को इसी तरह चेक कर लेंगे। सारे लाइट्स वगैरह, डिक्की लाइट हो गया और नंबर प्लेट लाइट वगैरह सब चेक कर लेंगे, साथ में इंडिकेटर लाइट्स चालू हैं सब। रूफ लैंप भी चेक कर लें डोर के साथ ऑफ, और ये बंद हो गया। डोर का जो है बराबर खुलना और लॉक भी होना चाहिए, ठीक है। फिर वाइपर वगैरह चेक होगा, देख सकते हैं। और सबसे पहले देख सकते हैं अपने काम स्टार्ट कर चुका हूँ और इसका व्हील वायरिंग चेक करेंगे और व्हील वायरिंग परफेक्ट है। इसी तरह चारों व्हील वायरिंग चेक करना है। ऑयल निकाल दिया पूरा, ठीक है। ऑयल पूरा ड्रेन हो रहा है, बिल्कुल एकदम सब ड्रेन हो जाएगा। ये फिल्टर खोलेंगे, ये फिल्टर ऑयल फिल्टर भी चेंज होगा, ठीक है। फिल्टर खोलने के लिए देख सकते हैं स्पेशल टूल्स यूज़ करेंगे, एकदम उस पर बैठ जाएगा फिक्स। देख सकते हैं ये ऑयल फिल्टर हम डाल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो है ये बड़ा वाला फिल्टर आएगा ऐसा ही, तो ये अब फिट करते हैं हम। और ये देख सकते हैं हमने ऑयल फिल्टर को भी फिट कर दिया, ठीक है। और ऑयल फिल्टर हमारा फिट हो गया, अब ड्रेन प्लग भी लगा देंगे। और ये रहा पुराना मोबिल, देख सकते हैं। और ये रहा पुराना मोबिल फिल्टर, अब इसका हम स्पार्क प्लग चेंज करेंगे, ठीक है। रिप्लेस करते हैं स्पार्क प्लग और चारों ये 10 का खोल देंगे। और 60 नंबर के स्पैनर से इसको हम खोल देंगे चारों प्लग, ठीक है। और इस तरह हमारे में चारों प्लग खुल चुका है। ये 40,000 का शेड्यूल है जो कि 40,000 किलोमीटर पे ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं पूरा क्लीन है, ठीक है। और ये रहा, अभी हम नया प्लग डालेंगे। और ये NGK का है, NGK का प्लग है, NGK का प्लग ही डालेंगे जो कि देख सकते हैं ये है नया प्लग जो NGK का है, NGK R। और ये भी पुराना जो प्लग है वो है NGK R, देख सकते हैं ये पुराना प्लग है NGK R। और ये हम अभी चेंज करेंगे इसमें नया प्लग, ये वाला
ठीक है, चारों प्लग नया जाएंगे इसमें, और बड़े सावधानी से डालना पड़ता है, इसको ऊपर से छोड़ना नहीं है, बल्कि धीरे 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 इसको इस तरह करके चारों प्लग डालना है, इसलिए क्योंकि इसका पॉइंट नहीं दबना चाहिए, पॉइंट दबेगा तो गाड़ी में मिसिंग करेगा, माइलेज में इफेक्ट गिरेगा, इसीलिए इसको बार बार और फिर इसको 16 नंबर एक्सपेनर से इसे टाइट करना है। ठीक है, एक लेवल में लेके इसको टाइट कर देना। ठीक है, चारों प्लग टाइट करने के बाद एक एक करके एक कॉइल को हम ठीक करते जाएंगे। और ये हमारा एसटी कॉइल टाइट हो गया, सारे चारों एसटी कॉइल टाइट हो गए। अब हम ये जो इसके अंदर कवर के अंदर एयर फिल्टर है उसको हम चेंज करेंगे। और ये देख सकते हैं पुराने फिल्टर का हालत कैसा हो गया, पूरा ख़राब हो चुका है। और ऐसे भी 40,000 इसको अभी रिप्लेसमेंट करना है, चेंज करना है। और देख सकते हैं तब तक इसका ब्रेक पीछे खुल चुका है, और ब्रेक के अंदर ये देखें तो है डिक्स, ये जो काफ़ी इसके अंदर जंग यानी काफ़ी ये डस्ट है, और ये साफ़ करके ब्रेक्स को ठीक है। ये देख सकते हैं कैसा क्लीन करके ले लिया, और पहले काफ़ी ही डस्ट था। और दिखाओ ड्रम, दिखाओ, ये रहा ड्रम को पूरा परफेक्ट क्लीन कर लिया। अब इसको हम फिट करेंगे, सेटिंग करके और फिट कर दो। और तब तक हमने इधर एयर फिल्टर वगैरह देख सकते हैं खोल के रखा हूँ, और इधर हम डस्ट को क्लीन करेंगे और फिर एक नया फिल्टर हम इधर डालेंगे। देख सकते हैं पूरा क्लीन करके ले लिया मैंने, ठीक है, और हमारा ये पूरा क्लीन हो चुका है, देख सकते हैं। अब इसमें नया फिल्टर इंस्टॉल करेंगे, ये पुराना फिल्टर जो है वो बाद हो गया, और हम ये नया फिल्टर को इधर इंस्टॉल करेंगे, नया डालेंगे। और देख सकते हैं ये मेरा नया फिल्टर इंस्टॉल कर दिया, और ये देख सकते हैं पाइप को भी क्लीन करके हमने ले लिया, और ये पाइप यहाँ पे फिट कर देंगे। ये हो गया हमारा कंप्लीट एयर फिल्टर, और प्लग डलवा गया, ठीक है। इंजन ऑयल अभी डालना बाकी है, अब इसमें मोबिल डालेंगे। इधर का भी खुल चुका है आपका ब्रेक्स, ये देखिए भाई ब्रेक में डस्ट, देखिए क्या डस्ट है। मारिए भाई सब क्लीन करके, ज़रा सेटिंग करके अच्छे से मस्त क्लीन करो एकदम, ये बहुत ख़तरनाक होता है, कैंसर होने का चांस है इससे, बहुत ज़बरदस्त डस्ट है ये, इससे कैंसर होता है, बड़ा संभाल के इसको क्लीन किया जाता है, ठीक है। ऐसे हवा मारने का इसको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, और ये इसको भी क्लीन करके ले लेना। चैनल बना लो देख, और हम मोबिल अब डालेंगे, देख सकते हैं ये रहा मारुति सुजुकी का मोबिल, एसी स्टार, और मारुति सुजुकी का है, और ये मोबिल जाएगा इसमें 0W20। और ये मोबिल खोलेंगे, मोबिल हमने डाल लिया है। और देख सकते हैं बावी का ब्रेक खुलेगा, नट बोल्ट चेक होंगे, प्लस कैलिपर ग्रीसिंग होगा, कैलिपर चेक करना, कैलिपर ख़राब नहीं ना, चेक करो, हाँ कैलिपर परफेक्ट है, इसके अंदर ग्रीसिंग होगा,
कैलिपर को क्लीन करके ग्रीसिंग होगा। और देख सकते हैं ब्रेक ऑयल हम डाट टॉपअप करेंगे, ब्रेक ऑयल कम है, इसमें ऑलरेडी लिखा है यूज़ ओनली .3 और .4 ब्रेक फ्लूड फ्रॉम ये सील्ड कंटेनर, और इसमें थोड़ा सा कम है वो डालेंगे। और इसमें हम ब्रेक ऑयल को टॉपअप करते हैं, इसमें वाइट ब्रेक फ्लूड है तो वाइट, और ये हमारा ब्रेक फ्लूड टॉपअप हो गया। अब इस कैप को हम और हम चेक करेंगे, बैटरी का फ्लूड चेक करेंगे, बैटरी वाटर चेक करेंगे इसके अंदर। देख सकते हैं बैटरी में बिल्कुल पानी नहीं है, ये देखिए, और देख सकते हैं बैटरी के अंदर बिल्कुल पानी नहीं है, ये देख सकते हैं एकदम सूख चुका है, एकदम नॉर्मली है पानी इसके अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर बैटरी पानी डालेंगे, और देख सकते हैं ब्रेक को क्लीन करके कैलिपर ग्रीसिंग हो रहा है। और तब तक हम बैटरी पानी बैटरी भी लेके आ गए हैं डिस्टिल वाटर, अभी इसको हम इसके अंदर फिलअप करेंगे। फिलअप करने से पहले इस चीज़ को इस हाथ जगह साफ कर लें ताकि पानी जब डालेंगे इसके अंदर डस्ट ना चला जाए बैटरी के अंदर, ठीक है। और हम इसको क्लीन करके पूरा ले लेंगे, आप देख सकते हैं पूरा क्लीन कर लिया। अब इसके अंदर हम पानी डाल सकते हैं इजी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है, पानी नहीं डस्ट, अगर पानी ऐसा ही डाल देंगे तो डस्ट इसके अंदर चला जाएगा और बैटरी की लाइफ कम हो जाती है, ठीक है। तो इसको अच्छे से क्लीन, एकदम बिल्कुल पानी नहीं, देख सकते हैं। और इसको थोड़ा लूज़ कर लेंगे क्योंकि इसके अंदर इसको भी खोलना है हमें, तो बिना लूज़ किए भी वो साइड होता नहीं है। और हमें लेवल तक देख सकते हैं डिस्टिल वाटर डाल लिया हूँ, और इसको अब हम पैक कर, कूलेंट चेक करेंगे, इसमें भी हल्का सा कम है देख सकते हैं, और इसमें भी डालेंगे। और ये मैंने कूलेंट भी फुल करके ले लिया, इसमें भी कूलेंट डाल के फुल करके ले लिया, और टॉप अप करके हमने कंप्लीट कर दिया, ठीक। हमारा बैटरी वाटर लेवल हो गया, कूलेंट का लेवल चेक किया, स्पार्क प्लग हम चेंज कर दिए, एयर फिल्टर चेंज हो गया, ब्रेक फ्लूड वो भी हो गया कंप्लीट। अब हम इसमें थोड़ा ये वाइपर में पानी डालेंगे और क्लच का सेटिंग चेक करेंगे, और देख सकते हैं अब ये साइड ब्रेक खुल चुका है, और इधर भी क्लीन करके ले रहा है, और कैलिपर ग्रीसिंग हो रहा है, साथ में जो भी है सस्पेंशन वगैरह तो चेक कर ही रहे हैं, नट बोल्ट वगैरह जितने भी सब टाइटन करना है। और ब्रेक पैड का देख सकते हैं, ये देखिए ब्रेक पैड अभी तक पूरा है, लगा दो लगा दो। और इसमें नॉर्मल पानी डाल सकते हैं, यानी ये वाइपर का है, और ये देख सकते हैं ये भी फुल कर दिया मैंने, और साथ में हो गया सब कंप्लीट। हमारे ये अपना एयर बैटरी का जो है
ये थ्रोटल बॉडी भी हो गया, क्लीन हो गया ये भी। ये ऐसे कैलिब्रेशन करना, ये साफ़ करना पड़ता है थोड़ा कपड़े से। और मोस्टली इंजन का काम कंप्लीट हो चुका है मेरा, ठीक है। मोबिल वोबिल पूरा डाला गया है और सारे काम हो चुके हैं। अब हमारा जो टायर चारों व्हील टाइटन होगा, फिर रोड टेस्ट होगा। रोड टेस्ट होने के बाद फाइनल इंस्पेक्ट होगा, फाइनल चेक होगा एक बार, उसके बाद गाड़ी को वॉशिंग में डाला जाएगा। और ये सब देख सकते हैं पुराना सामान। और ये रहा क्लच का सेटिंग, देख सकते हैं इधर क्लच का ये केबल है, तो इधर भी क्लच का चेक कर लेना है एडजस्टिंग बराबर, ठीक है। कम से कम 2 mm का फासला इसके अंदर रहना चाहिए, ठीक है। अगर ये ज़्यादा टाइट है तो इसको लूज़ कर दिया जाए, क्योंकि उसके अंदर जल्दी बैरिंग वो और क्लच ख़राब होने का चांस है, तो इसके अंदर प्ले रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और इंजन का काम कंप्लीट, ब्रेक्स कंप्लीट हो गए हैं, और गाड़ी को सेल्फ मारेंगे और इंजन का आवाज़ चेक करेंगे, फिर लाइव टेस्ट रोड टेस्ट करेंगे। वो देख सकते हैं, स्टार्ट करने के बाद लीकिंग वगैरह चेक कर लें सब जगह, ठीक है। और ये देखो फाइबर आवाज़ कर रहा था, ये सब दिख रहा है, ये सब फाइबर को सब फिक्स कर देगा, ये सब देख सकते हैं। ये देख सब ऐसा हो गया, तो ये सब को सब फिक्स करवा देंगे और हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर रोड टेस्ट करेंगे और देख सकते हैं मोबिल चेंज होने के बाद कितना गाड़ी स्मूथ है। और गाड़ी तो इसमें तो हमने मोबिल अब चेक करेंगे इसमें फिर से गाड़ी बंद करने के बाद। और इसमें मोस्टली तो 3.3 लीटर मोबिल जाता है, 300 ml जाता है, ठीक है। अब थोड़ा गाड़ी को रेस्ट होने देंगे, उसके बाद मोबिल चेक करेंगे और उसके बाद हम रोड टेस्ट करेंगे। अब मोबिल हमने फिर से टॉप अप कर लिया, इसमें कम था, अब इसको हम चेक करेंगे। और देख सकते हैं मोबिल पूरा है, आपको दिखा देना चाहते हैं, और गाड़ी को हम ट्रायल मारेंगे। चलते हैं ट्रायल के लिए। और साथ में डाटा भी चेक करेंगे, साथ में अलाइनमेंट वगैरह चेक करेंगे। और गाड़ी पूरा स्ट्रेट है, और इसको हम ट्रायल के साथ साथ वॉशिंग में भी हम गाड़ी को डाल देंगे। अभी दिखाते हैं, वॉशिंग डिपार्टमेंट हम जा रहे हैं और वॉशिंग में हम गाड़ी को डाल देंगे, गाड़ी वॉश होगी और हमारा गाड़ी, ये गाड़ी फिर कंप्लीट हो जाएगा। वॉशिंग के बाद हम इस गाड़ी का फाइनल इंस्पेक्ट करेंगे और इसके नीचे का फाइबर वगैरह सब चेक करेंगे। जब तक गाड़ी वॉशिंग हो जाएगा उसके बाद इसको फाइनल इंस्पेक्ट करेंगे और सब कुछ फिर फाइनल चेक करने के बाद कस्टमर को गाड़ी डिलीवर करते हैं। कंप्लीट सर्विसिंग हो गया यार, ये वॉशिंग डिपार्टमेंट इधर हमारा वॉशिंग होगा, ये भाई चैनल में जाता है, और यहाँ वॉशिंग बहुत बढ़िया होता है, आप लोग यहाँ वॉशिंग करवा सकते हैं। वॉशिंग सर्विस स्टेशन, ठीक है, यहाँ पे सर्विस होती है गाड़ी का, तो यहीं लेके आए हैं गाड़ी को, सर्विस में वॉशिंग करेंगे, ठीक है। और यही गाड़ी का पूरा ही वॉशिंग कंप्लीट हो चुका है, देख सकते हैं अंदर पॉलिश वगैरह। और अब इसको हम वर्कशॉप पर फिर से लेके जा रहे हैं, फाइनल चेक करेंगे
और फ्लैप वगैरह लगा के कंप्लीट करेंगे जो नीचे फ्लैप निकला था। आवाज़ देखें, गाड़ी का काफ़ी स्मूथ हो गया। और ये हमारा वर्कशॉप आ चुके हैं, ये रहा, और इधर साइड में गाड़ी खड़ा कर देंगे। देख सकते हैं पूरा क्लीनिंग हो चुका है गाड़ी का, और गाड़ी पूरा क्लीन हो चुका है, देख सकते हैं। अपना एसी फिल्टर निकाल लिए हैं, तो एसी फिल्टर में गर्दा है, इसको साफ़ करके हम सिर्फ डस्ट है उसको क्लीन करके फिर लगाएंगे। एसी फिल्टर अच्छा है, और एसी फिल्टर देख सकते हैं ये अप लिखा हुआ है, और ऐसा हम फिट कर देंगे इसको। कंप्लीट फिट हो गया फ्लैप, मैंने कंप्लीट क्लिप के साथ इसको फिट कर दिया, और इधर भी ये साइड भी क्लिप के साथ हमने फिट कर दिया ये। और अब इसका हम फाइनल इंस्पेक्ट वगैरह कर लेंगे, और फाइनल इंस्पेक्ट चेक करने के लिए इधर सब देखना है, ड्रेन प्लग से लीक नहीं, ऑयल फिल्टर से लीक नहीं है कहीं भी। और गाड़ी कंप्लीट इंस्पेक्शन हो चुका है, सारे लाइट्स वगैरह हर चीज़ चेक हो गया, फाइनल इंस्पेक्ट। अब गाड़ी को हम डिलीवरी देंगे, होम डिलीवरी है गाड़ी का।